श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं ईश्वरनित्यमाकामार्थ सिद्धे। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं च गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च हस्तं निकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवम बालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिसंधं या पठेन नरः न च विघ्न भयं तस्य। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रहों के बारे में आज चर्चा हम करना चाहते हैं, खास तौर से जो हमारी जिंदगी का सबसे अहम ग्रह है, नौ ग्रहों में से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, वो ग्रह है आपका जो है बृहस्पति, जिसे आप जुपिटर भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, कई नामों से जानते हैं। तो अगर देखा जाए ब्रह्मांड में तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और इस विषय पे हम आपसे इसलिए चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि जब भी नौ ग्रहों में से गुरु और शनि दोनों अपने स्थान परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, तो इनका बहुत बड़ा प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर यानी सब जगह पूरे विश्व में इसका असर दिखता है। और इस बार फिर देवगुरु बृहस्पति फिर अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, और सबको पता है कि अभी वो कहाँ पर हैं, ये चीज़ देखने वाली बात है। ये सभी आप लोग जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति इस बार अप्रैल में 13 अप्रैल 2022 को वो कुंभ राशि से अपनी राशि में आ रहे हैं, यानी मीन राशि में आ रहे हैं। ठीक है, वो आ रहे हैं, लेकिन हमें देवगुरु बृहस्पति के बारे में, आपकी कुंडली में भी है, मेरी कुंडली में भी है, मोदी जी की कुंडली में भी है ना, किसी कुंडली में नहीं है, सबकी कुंडली में है, दुनिया के जो भी एक गरीब की कुंडली में भी है, गुरु सबकी कुंडली, यानी जिसने जन्म लिया है गुरु का रोल उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं जरूर होगा, और वो रोल जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में वो बैठे होंगे उसी हिसाब से उनका रोल होगा। तो इसलिए अब गुरु जब आप सोचो अभी मकर राशि में थे और मकर राशि से कुंभ राशि में, यानी उनका पूरा पड़ाव जो है, अगर हम मकर की बात करें तो 29 मई 2020 लगभग 29 मई 2020 से लेकर के और 5 अप्रैल 2021 तक वो मकर राशि में थे। और आप सोचिए कि जब मकर राशि में थे तो यानी शनि के घर में थे, कितना तहलका मचा था, क्या हुआ, महामारी आई, कोरोना आया, और तमाम तरह के देश में जो है तमाम तरह के जो है अभियान चले, हड़ताल हुआ, सब चीज़ें हुई। कोरोना महामारी की बात हम कर रहे थे, कोरोना महामारी आई और कितनी बड़ी बड़ी जो है घटनाएं दुर्घटनाएं हुई, हड़तालों की भरमार लग गई, CAA, NRC, किसान आंदोलन और न जाने क्या क्या। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक मकर राशि में थे तो वही हाल था, कुंभ राशि में आए तो कुंभ राशि में वो कब आए हैं, अब वो अगर आप देखें तो ये चीज़ आपको मिलेगी, 5 अप्रैल 2021 में लगभग कुंभ में आए थे, और उसके बाद ये यहाँ पर 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो अप्रैल 22 आने वाला, यानी अप्रैल 22 को ये मीन में चले जाएंगे। तो शनि का घर कुंभ भी है, वहाँ पर भी थे, तो अब देखिए दूसरा रूप आ गया, कोरोना ने अपने रूप को मॉडिफाई किया, और अभी उसे अमेरिकन कह रहे हैं, फिर डेल्टा है और क्या क्या है। तो कुल मिला के जब तक शनि के घर में थे तब तक इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, अभी भी शनि के घर में ही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब चूंकि अभी 3 महीने बचा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आने वाला है, तो इसलिए अब शनि अभी अपने शनि के घर में ही अभी हैं, कुंभ में हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये तीसरी लहर का भी ये चल रहा है, इतनी तेजी से इसका जो है कहते हैं कि प्रकोप या इसका जो स्प्रेड हो रहा है, ये फैल रहा है। और लेकिन वो बात अलग है कि पिछले साल वाली स्थिति नहीं है, लोग
एक तो हैबिचुअल हो चुके हैं और दूसरी बात डेथ रेट भी कम हो गई है, लेकिन कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। और आप अगर देखेंगे तो इधर बीच में आपने सुना होगा कई देशों में लॉकडाउन लगा, हमारे भारत में भी आंशिक लॉकडाउन रात में लगाया गया, ये सब किया गया। तो हो सकता है अभी जनवरी फरवरी मार्च बचा हुआ, यानी फरवरी मार्च बचा है, तो फरवरी मार्च में भी ये स्थिति बन सकती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी जब इनकी स्पीड पकड़ेगी, ये स्पीड पकड़ेंगे तेजी से, तो बना सकते हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहने की ज़्यादा उम्मीद है। और अगर मान लीजिए कोरोना का प्रकोप नहीं होता है, तो ये बात तय है कि बड़े स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में इसका असर दिखाई देगा, यानी उथल पथल, उथल पुथल जिसे कहते हैं, तमाम तरह की चीजें आएंगी। अब आते हैं दो मूल मूल बात पे आते हैं, जो हम आपसे गुरु की बात में कर रहे थे। तो जो ज्योतिष शास्त्र में गुरु को यानी बृहस्पति को एक बहुत ही लाभकारी ग्रह माना गया है सबके लिए, चाहे रंग हो चाहे राजा, सबके लिए माना गया है। तो ये आपको ये भी पता है, संक्षेप में बताना चाहेंगे कि इनका जो समय होता है एक राशि में रहने का लगभग 12 महीने होता है, 12 से 13 महीने ऐसे मान के चल सकते हैं। तो अब वो क्या स्थिति इनकी बन रही है, ये देखने वाली बात है। अब जिनकी कुंडली में गुरु मजबूत हैं, जिनकी कुंडली में गुरु कहते हैं ना कि अच्छी स्थिति में बैठे हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, और हमेशा मैंने पिछले भी एपिसोड में भी बताया हुआ है कि गुरु की दृष्टि में बहुत बड़ा वो, गुरु जहां बैठते हैं वहां नुकसान करते हैं और जहां देखते हैं वहां अच्छा करते हैं। कुल मिलाकर के गुरु को फायर ब्रिगेड भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु जहां देखते हैं वहां की नकारात्मकता को जड़ से खत्म करते हैं। और दूसरी बात यह है कि गुरु को ही शिक्षा, विवाह, भाग्य, धन, आध्यात्मिकता आदि का कारक भी माना गया है। तो कुल मिलाकर के जो गुरु अच्छे होते हैं तो सम्मान भी मिलता है लोगों को, ऐसे लोगों को काफी सम्मान मिलता है, धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ मिलता है। तो अब हमें ये देखना है कि ये गुरु, और दूसरी बात, गुरु जब दो राशियां हैं इनकी, एक कर्क है में उच्च के हो जाते हैं, और कहा गया है या देखा गया है मकर में नीच के माने जाते हैं, लेकिन इनकी अपनी दो राशियां हैं, वो है एक धनु और दूसरी मीन। तो गुरु को ये बात समझने की जरूरत है कि गुरु जब 2022 के 13 अप्रैल को मीन राशि में आएंगे, तो किन किन राशियों का इसमें मतलब कहते हैं कि इससे फायदा होगा, कौन कौन राशियां इससे लाभ उठाएंगी। तो लाभप्रद राशि है वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, ये सब राशियां हैं जो काफी लाभप्रद होंगी, फायदेमंद होंगी हम सभी लोगों के लिए। और खास तौर से कह सकते हैं कुंभ राशि भी है, वो भी फायदे में रहेगी। तो कुल मिलाकर के गुरु का यहाँ प्रवेश करना इन राशियों को, जो मैंने कहा कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ, इन राशियों के लिए एक समय अच्छा आएगा। कहते हैं कि इस समय खास तौर से आप ये देखेंगे कि इनको अच्छा परिणाम मिलेगा, जो भी कार्य इनके रुके होंगे वो सब पूरे होंगे, जो समस्याएं चल रही होंगी वह खत्म होंगी, और अच्छा खासा जमीन जायदाद कहते हैं ना, ये सब चीजों का भी मान सम्मान में भी इन सब चीजों में इन लोगों की बढ़ोतरी होगी। तो धनु आ, 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 धनु कह रहे हैं गुरु जो है ये जो अपना परिवर्तन कर रहा है, यह परिवर्तन इसके लिए काफी लाभकारी है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, हर राशि के लिए इनका लाभ आपको मिलेगा निश्चित रूप से। यह जान लीजिए कितनी भी खराब परिस्थिति आपकी हो, आप कितने भी बीमार हों, कितने भी नौकरी के लिए परेशान हों, कितने भी व्यवसाय में आपका काम नहीं चल रहा हो, या कोई भी विवाह शादी नहीं हो रही हो, इन सब चीजों में आपको तरक्की मिलने के पूरे आसार हैं। गुरु 13 अप्रैल को जब मीन में आएंगे तो इनका प्रभाव आप जरूर देखेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर विराम देते हैं, इस विषय को विराम देते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि लाइक शेयर जरूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।